गरीबों की सेवा मैंने इसमें ही चलता है। ये सिस्टम है कि फकीरों को खाना खिलाते हैं, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके दो लोग गरीब है, ये मैं दान कर रहा हूँ तो मेरे हाथ लगेंगे। अहमदाबाद की जो स्पेशल आइटम है, जो कि लोग इधर दीवाने हैं, मस्का बन और चाय के, वो ट्राई करने आए ईरानी रेस्टोरेंट पर। ये ईरानी होटल है, पहले इसका काउंटर ही आगे की साइड में था, पुराना ओल्ड था, अभी नया बनाया तो काउंटर उधर ले लिया है और होटल बड़ा कर दिया है। अरबी में लिखा है हाजा मिन फजले रब्बी, इसका मतलब अल्लाह का शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र है। यहाँ का मस्का बन फेमस है, चाय भी बेहतर बढ़िया आती है। हाँ, ये हमारी होटल 1946 ही है और 1950 का लाइसेंस है, वो आज 75 ईयर्स के करीब होने आए हैं। मस्का बन चाय हमारा बहुत ही फेमस है यहाँ का, और खाने का भी आपको घर जैसा टेस्ट मिलेगा। और ये रहने वाली इनकी दाल गर्मा गर्म, कौन सी सब्जी है ये? मिक्स वेज। एक मिनट खाना घुमा कर। और ये रहने वाली इनकी मिक्स वेज। और ये किसकी सब्जी है? दूधी की। दूधी की सब्जी, कद्दू की सब्जी। ये चिकन, चिकन बटर चिकन, चाप रोस्ट, कोरमा, कोरमा। और ये रहने वाला मटन भुना। ये मटन कीमा। और ये रहने वाले मटन कीमा। और लास्ट में ये क्या है? पाया, पाया 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 की ग्रेवी है। और लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, कड़ी, कड़ी कड़ी वेज कड़ी। तो भाई साहब, इनके पास डिनर में भी बहुत कुछ है। ये सभी ट्रे में ये रखे हुए हैं बंस, ये चेक करो, मस्का बन बनाने के लिए। बल्ले बल्ले, का बन के लिए सबसे पहले बन आ चुके हैं। और बन को ये देखो अब काटा जा रहा है, और ये देखो स्पीड चेक कर सकते हो। और ये देखो अब काटने के बाद खूब सारा मक्खन लगा के इसको दोबारा से काटा जाता है और उसको पैकिंग की जाती है। बटर भर भर के लगाया जा रहा है, तो लोग बहुत दीवाने, चाय के साथ मस्का बन ट्राई किया जाता है यहाँ पर। जीएस फूड ट्रेवल, सब छोटे बकरे की आइटम मिलेगी, 170, 160, 180 के आसपास रहेगा, और दाल सब्जी 60-70 के आसपास रहेगा। और मस्का बन, मस्का बन अभी 38 रुपीस है, चाय 27 है। और एक तरफ तो 15 से 20 किलो की जो चाय ना लगातार बनती रहती है बैच पर बैच, और दूसरी तरफ मस्का बन लगातार बनी जा रहा है। और यहाँ पर चल रही है मस्का बन की लगातार पैकिंग, ये चेक करो। सबसे पहले व्हाइट पेपर ले लिया, और ये देखो धागे के साथ इसको लपेट कर पैक कर दिए गए, ये चेक करो। मस्का बन और जो चाय का जो मतलब इंट्रोड्यूस करने वाले अहमदाबाद में, बोल सकते हैं कि ये ईरानी रेस्टोरेंट थी अहमदाबाद में। मतलब लोग शाम को नाश्ते में ये पसंद करते हैं, मस्का बन और चाय, और मक्खन तो भाई बर बर के डाला गया। एक चीज नोटिस करी होगी पाजी की, ये लोग सफेद मक्खन यूज करते हैं, बिल्कुल घर का मक्खन, घर का प्योर इन हाउस बनाते हैं, रोज का एकदम ताजा होता है। तो मैं देख रहा हूँ लगातार क्वांटिटी में इधर मस्का बन बनी जा रहे हैं। पार्सल भी बाहर इतना होता है, और यहाँ पे खाने के लिए भी रोज इतने आते हैं। आउटसाइड अहमदाबाद भी बहुत पार्सल होता है, कंटिन्यूसली पूरा दिन पार्सल डिलीवरी चालू रहती है। तो पाजी हम भी ट्राई करते हैं, तो आप भी लो। तो भाई साहब ये मक्खन चेक कर सकते, मक्खन जो है ना क्वांटिटी में डाला गया है, मक्खन में कोई कंजूसी नहीं है। तो हम तो पहले ऐसे ट्राई करेंगे, और ये देखो इसमें कोई नमक और इसमें कोई मीठा नहीं है, पर जो टेस्ट है यूनिक है। पाजी पंजाब में क्या कहते हैं इसको, थोड़ा सा रोस्ट कर देते हैं ग्रिल के बीच में, और इसका पर इधर वो भी नहीं किया, हेल्दी रखा है, तो डेफिनेटली एक बार ट्राई बनता है। पाजी लोकेशन एक बार बता दो कहाँ पर है? न्यू ईरानी रेस्टोरेंट, नियर माणिक चौक, अहमदाबाद। तो पाजी अब कहाँ पहुँचे थोड़ा सा बताएंगे? हम पहुँचे हैं अजूबा रेस्टोरेंट, इट इज़ नियर ईरानी रेस्टोरेंट, इट इज़ सिचुएटेड इन ओल्ड सिटी अहमदाबाद। तो इधर की क्या लेगेसी, क्या मतलब कल्चर है, आप थोड़ा सा बताओगे? मैं देख रहा हूँ कि बाहर बहुत सारे खाने के लिए लोग बैठे हैं, तो क्या मतलब सिस्टम है हमें बताएंगे? यहाँ पे ये सिस्टम है कि फकीरों को खाना खिलाते हैं, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके दो लोग गरीब है, भगवान ने जिसको दिया है मतलब पैसे दिए, खाना मिलता है, वो लोग अपने हिसाब से दान करते हैं। और इसमें क्या है कि जैसे ही यहाँ पे दान होता है, हमारी आंखों के सामने ये लोग गरीबों को खाना खिलाते हैं, और अपना हम लोग अपने हाथों से हाथ लगा के वो छू के वो खाना गरीबों को जाता है। मैं राम रोटी का काम करता हूँ, मेरा नाम है मोहम्मद याकूब, और ये गरीबों को खिलाते हैं, और 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, ये गरीबों को तुम खड़े लेके खिलाओ। यहाँ भूखे को खिलाने का होता है,
जो भूखा होता है उसको खिलाते हैं, जो भूखा होता है सब इधर बैठते, जिसको ऊपर वाले ने दिया होता है वो आके सबको खिलाता है, जिसकी जैसी हैसियत हो है। ये राइस चावल, ये खीर है, ये दाल है। ये कौन सी दाल है? ये उड़द की दाल है। ये मिक्स सब्जी है, ये चूरन है, चूरन रसा सूप, ये मग है, वही 20 वाला मग है, मग मूंग मट। चले चलो चले, ये दान करेले, ये दान करेले भाई साहब ने खिलाया, ये भाई साहब के तरफ से। ये मैंने 40 रुपये दान किए और मेरी आंखों के सामने ये मतलब ये रोटी सब्जी और ये मेरे खीर है, तो मेरे मतलब आंखों के सामने ये गरीब वहाँ पे बैठे उनको जाएगा खाना। थैंक यू। चले दो आ जाओ भाई। ये राइस है, ये खीर है, ये उड़द की ना मूंग की दाल है, ये सब्जी मिक्स है, ये सूप है, ये मग है, चना मग। काम कैसे सोचा कि मैं यही काम करूंगा? बाप दादा का धंधा ही है, तो ये गरीबों को करने का सब 50-60 साल से ये सब। आप यहाँ देख सकते हो कि 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना मर्जी आप दान। और भाई साहब इधर बन रही है गर्मा गर्म रोटी, ये चेक करो तंदूर इधर भला हुआ है, ये चेक करो। तो मतलब सारा काम दाम ये अंकल जी संभालते हैं। और इनको भी दान करना है। बोला अंकल जी, और रेट भी कोई जायज रखे, कोई ज़्यादा नहीं रखे। जहाँ पर हम किसी रेस्टोरेंट में जहाँ 100 से 200 रुपए का खाना खाते हैं, उसी जगह पर ये 20-30 रुपए में ये खाना खिला रहे हैं यार। मतलब टू अमेजिंग, मतलब मैं एक बात कहूँगा कि ना अहमदाबाद ने मेरा दिल लूट लिया यार। थैंक यू भाजी। दाल रोटी।